अरे भैया, दिमाग तो हर वक्त चलता ही रहता है ना। ये चक्की है, चक्की के नीचे दाने डालोगे तो आटा निकलेगा, दाना नहीं तो पत्थर डालोगे तो क्या रेत निकलेगी, मिट्टी निकलेगी। कोई ना कोई चीज तो इस दिमाग की चक्की में पिसती रहती है। अब तुम्हारी मर्जी है उसमें क्या चीज डालनी है, उसमें क्या सोच डालनी है, उसमें क्या फिक्र डालनी है। गंदगी डालनी है, लघवियात डालनी है, बिना वजह की सोचों को डालना है तो वैसे ही कचरा निकलेगा। और हर वक्त दिमाग में अल्लाह की याद रहेगी, उसका नूर निकलेगा। ये दिमाग चक्की है, दाना डालोगे आटा निकलेगा। और इसके अंदर अगर तुमने पत्थर डाल दिए, कचरा डाल दिया, तो जहर पिस के वो ही आएगा। तो हर वक्त ये दिमाग तो चलता ही है, लेकिन अल्लाह की याद में हो, अल्लाह के ख्याल में हो, अल्लाह की जिसे कहेंगे प्यारे प्यारे नामों से उसे पुकारने के साथ हो, तो आदमी की सोच और फिक्र में बड़ी सलामती आ जाती है। और एक जो अजीब से हर वक्त जहनी इंतशार होता है, फिक्री इंतशार होता है, हर वक्त एक परेशानी की कैफियत होती है, उससे निजात मिलती है। इसी तरह अल्लाह ने खास तौर पे इसका इनाम जिक्र फरमाया, देखो अल्लाह की याद में तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, अल्लाह की याद से तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, अल्लाह की याद रखा करो। तो फरमाया कसरत से अल्लाह को याद किया करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह और तकदीस किया करो। सुबह शाम यानी अला दवाम, हमेशा का मामूल बना लो। वो ऐसी मेहरबान जात है जो तुम पर रहमतें भेजती है, मेहरबान जात है, और उसके फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। और वो जात ईमान वालों पर बड़ी मेहरबान है, ईमान वालों पर बड़ी मेहरबान है। तो उस मेहरबान जात की कदर की जाए और उसको अच्छे अच्छे नामों से याद करके उससे मोहब्बत और ताल्लुक में इजाफा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को इसकी तौफीक नसीब करे।